अब फ्रेंड्स डिटरमिनेंट्स के बाद आते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स फॉलो करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। यानी फ्रेंड्स कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का रो और कॉलम को चेंज कर दिया जाए यानी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया जाए। बेसिकली ये यही कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स कोई मैट्रिक्स है और उसके हम ट्रांसपोज का मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में डिटरमिनेंट जो है वो चेंज नहीं होगा। यानी ए मैट्रिक्स और ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो सेम होता है। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, इफ एनी रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज कंप्लीटली जीरो देन डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो। यानी कोई रो और कॉलम जो है वो जीरो है, कंप्लीटली जीरो है यानी उसके सारे एंट्रीज जीरो हैं, तो उस कंडीशन में जो डिटरमिनेंट होगा वो जीरो होगा। इसको हम इससे एग्जांपल से देख सकते हैं। अगर सपोज कि ये मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास फर्स्ट रो जो होती ये जीरो होती, तो उस कंडीशन में फर्स्ट रो जीरो होती तो उस कंडीशन में हमारे पास ये एंट्री जीरो होती, ये एंट्री जीरो एंड ये एंट्री जीरो, यानी सब कुछ ये एंट्री जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई इस नंबर से, जीरो का मल्टीप्लाई इसके डिटरमिनेंट से जीरो, सब कुछ जीरो हो जाता है तो ये वैल्यू भी जीरो आ जाती है। तो अगर कोई रो या कोई एक कॉलम हमारे पास डिटरमिनेंट में पूरी तरह से जीरो हो जाए तो उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट भी जीरो होता है। इफ एनी टू रो और टू कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई -1। यानी फ्रेंड्स हमारे पास कोई रो है या कोई कॉलम है, पहले हम रो में बात कर लें। अगर एक रो है, सपोज कि एग्जांपल में जा रहे हैं हम, ये रो है, ये मैट्रिक्स है, अगर हम इसमें इस रो से चेंज कर दें यानी ए फर्स्ट वाली रो इस रो को नीचे ला दें और उस रो को ऊपर ला दें, तो उस कंडीशन में जो डिटरमिनेंट जो होगा उसमें -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से कॉलम्स के लिए भी ये कंडीशन फॉलो होती है। सपोज कि इस कॉलम को हम इस कॉलम से इंटरचेंज कर दें तो उस कंडीशन में हम माइनस से मल्टीप्लाई उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। अगर दो बार इंटरचेंज कर दें तो उसको दो बार इंटरचेंज करने पे हमारे पास जो मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट है वो चेंज नहीं होगा। दो चेंज होगा यानी रो को पहले चेंज किया, पहले हमने दो रो को चेंज कर दिया उसके बाद दो अलग रो को चेंज कर दिया तो डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। इसी तरह से हम कॉलम्स में भी कह सकते हैं। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ द वन रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर के देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज के टाइम द वैल्यू ऑफ गिवन डिटरमिनेंट्स। यानी फ्रेंड्स हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है सपोज कि इसके इसकी या रो को या कॉलम को, एक रो या एक कॉलम को, सपोज हमने फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो को के से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो इसके डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो भी के से मल्टीप्लाई होके आएगी। यानी यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी के का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म पे, यहाँ पे के का मल्टीप्लाई, यहाँ के का मल्टीप्लाई और यहाँ के का मल्टीप्लाई साथ में, तो के को कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम किसी रो या किसी कॉलम में के का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा डिटरमिनेंट जो है वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाता है। इफ ए बी एनी रो एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स एंड के बी एन स्केलर देन। अगर हमारे पास फ्रेंड्स ए जो है वो एक मैट्रिक्स है और के एक स्केलर है, और उस स्केलर में हमने देखा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन कर रहे थे, ये हम पुरानी वीडियो में देखा था। मैट्रिक्स में हम किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो पूरे सारे एलिमेंट से उस के का मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी हमारे पास सपोज कि ये ए डिटरमिनेंट ना होकर मैट्रिक्स होता तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में हम के ए निकालते तो सारे एलिमेंट से उसका मल्टीप्लाई होता, फिर डिटरमिनेंट जो होगा उसका डिटरमिनेंट के टू द पावर एन यानी कितने रोज हैं उतने ही या कितने कॉलम है, क्योंकि इस जो डिटरमिनेंट निकालते तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो के टू द पावर एन यानी अगर एन रोज है, एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो के टू द पावर एन का आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद या हम इससे ऐसे कह सकते हैं के इस रो से कॉलम ले कॉमन ले लिया, के इस रो से कॉमन ले लिया, के इस रो से कॉमन ले लिया, तो के एन टाइम कॉमन लेंगे तो के टू दी पावर एन बाहर आ जाएगा और इस तरह से हम ये लिख प्रॉपर्टीज कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इन आर डिटरमिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट
ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी टू रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ करस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट वैल्यू। फ्रेंड्स ये बेसिकली जो है हमारे पास डिटरमिनेंट की डेफिनेशन है। डिटरमिनेंट की डेफिनेशन है कि हमारे पास ये एक एलिमेंट है और उसके करस्पोंडिंग जो कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर डिफाइन होता है इस तरह से, इनका जो सम है फाइनली जो सम होगा वो डिटरमिनेंट डिफाइन होगा। इन अ डिटरमिनेंट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ करस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट्स वैल्यू। कोफैक्टर सम आगे भी देखेंगे कोफैक्टर किस तरह से डिफाइन होते हैं। बेसिकली जो ये डेफिनेशन है इस डेफिनेशन को हम डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट भी कह सकते हैं। इनडिटरमिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो, ये दोबारा से सॉरी, इनडिटरमिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर करस्पोंडिंग एलिमेंट इज अदर रो ऑफ कॉलम इज जीरो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, इफ द टू एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एडेड एम टाइम, इफ टू द एलिमेंट ऑफ रो ऑफ अ रो और कॉलम एम टाइम एड किए जाए देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो और कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ऑब्टेंड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स। यानी फ्रेंड्स हमारे पास डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई दो रो या कोई कॉलम्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उस कंडीशन में भी हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट निकल के आएगा, यानी जिसको हम कहते हैं रो रो के साथ रो में किसी रो में मल्टीप्लाई करके कुछ और का ऐड या सब्ट्रैक्शन करके उस कंडीशन में हम कुछ करें, रो का दो रो को ऐड कर लें या दो कॉलम्स को चेंज कर लें, दो कॉलम्स को ऐड कर लें, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स निकलता है हमारे पास वो हमारे पास उसका डिटरमिनेंट जो है वो सेम ही डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है। इसको हम आगे की वीडियोज में और भी देखेंगे। फ्रेंड्स डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, यानी ए और बी दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लाई हो तो उसका जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होता है वो मोड ए क्रॉस मोड, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए क्रॉस डिटरमिनेंट ऑफ बी, एंड बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट ए टू द पावर एन का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसका हम एन टाइम पावर निकाल लें तो उस कंडीशन में हम डिटरमिनेंट निकाल लें, या हम ए का डिटरमिनेंट निकाल लें उसके बाद हम एन पावर कर दें तो दोनों ही सेम, दोनों कंडीशन में सेम वैल्यू आएगी। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं फ्रेंड्स।